थ्री वर्ल्ड। और आज मैं ऐसे कबाड़ के बीच बैठी हूँ क्योंकि ये जो बक्सा है जिसमें मैं पूरी ऐसे गुम हो जा रही हूँ, ये पूरा बक्सा जो है ये पर्पल का है। और यहाँ पे अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, कफल लैशेस, इनसाइड का किधर गया, इनसाइड सब का पैकेट है। और ईशान की आइडिया थी और मम्मी ने हेल्प किया कि मैं इस कबाड़ खाने से निकल के वीडियो की स्टार्ट करूं। ये मुझे बेहद पसंद है क्योंकि इसके अंदर ऐसे ऐसे आवाज़ होती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पर्पल, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, इनसाइड और कफल लैशेस का एक बिग मेकअप एंड स्किन केयर हॉल, जिसमें मैंने 2020 में ख़रीदा था और जो आया है 2021 में। तो मैं ये सारे प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है कि मतलब क्या है क्या नहीं, सब कुछ मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो मेक श्योर वीडियो में जाने से पहले हिट द रेड सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो प्रेस द छोटू सा बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक। फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए अगर जानना चाहते हैं कि मैंने क्या क्या खरीदा है क्या क्या नहीं। कमेंट करके बताइए कौन सी प्रोडक्ट आपको ज़्यादा पसंद आई है या कौन सी प्रोडक्ट आपके पास ऑलरेडी है आप यूज़ करें। सबसे पहले मैं ये कचरा जो है इसको साफ कर लेती हूँ, नहीं तो मेरी मम्मी मुझे मार डालेगी। पहले ये क्लीन कर लेती हूँ, फिर मैं एक एक करके हौली हौली से मैं सब प्रोडक्ट दिखा देती हूँ। और अगर आप मुझे पसंद करते हैं, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हो तो मेक श्योर आप मुझे फॉलो करें मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, भूलना नहीं। ज़्यादा बकबक ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ जो बहुत लंबा होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चाय, कॉफ़ी, नाश्ता वास्ता लेके बैठ जाइए। इनमें 53 प्रोडक्ट्स है, जिनमें से 3 प्रोडक्ट्स मुझे पर्पल से फ्री में मिला है क्योंकि मैंने बहुत सारे शॉपिंग किए इसलिए। तो उसको छोड़ के 50 प्रोडक्ट्स है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा। तो बहुत ज़्यादा हैवी है। ओ, इनमें से मेरी लोकल मार्केट से भी कुछ है जो मैं इनमें से इनमें इंक्लूड कर दिया। तो ये सारे प्रोडक्ट्स है, ओह माय गॉड कहाँ रखो। और इसके चक्कर में मेरी एक हेयर बैंड भी टूट गई क्योंकि उसके ऊपर मैं रख दिया था तो गई काम से। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं सारे प्रोडक्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, इनकेस आप लोग अगर ख़रीदना चाहते हैं तो वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये लिखा तो है हुडा ब्यूटी बट ये हुडा ब्यूटी नहीं है क्योंकि इतना पैसा मेरे पास होता नहीं है कि मैं हुडा ब्यूटी की ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करूं। तो मैंने ये लोकल मार्केट से परचेज़ किया है। तो ये हर एक 40 रुपये करके है, मतलब एक 40। और सच बताऊँ तो ये ब्यूटी ब्लेंडर सच में बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब इसको वेट करने के बाद एकदम अच्छे से ये फूल जाता है जिससे ब्लेंड करना बहुत आसान रहता है। उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट ये भी मेरी लोकल मार्केट से परचेज़ किया हुआ है। ये ब्लू हेवन का मस्कारा है, इसका प्राइस है 125 पर ये 100 में मिल जाता है, ऑनलाइन में चेक करो तो भी मिल जाता है। उसके बाद मैंने एक स्केच लाइनर लिया है और ये है हिलारी डोडा का, इसका प्राइस जो है 140 या 125 में मुझे मिल गया था और बहुत अच्छा है, मैंने यूज़ किया था, यूज़ करने के बाद मैं फिर से इसमें रख दिया। उसके बाद है ब्लू हेवन का ये ब्लू कलर की जो लाइनर है ये, और ये भी 100 रुपीज़ का है। आप लोकल मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, अदरवाइज आप ऑनलाइन में तो मिल ही जाएंगे। उसके बाद ये लिप बाम है ब्लू हेवन की, और मैं मेबेलिन का यूज़ करती थी, वो तो अच्छा है ही, ये भी काफ़ी अच्छा है, लिप को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है और बहुत देर तक करता है। उसके बाद मैंने ये ख़रीदा है, अगर आप लोगों को पता है ये ऐसा कुछ होता है, अगर आपको बड़ा सा बन बनाना है तो इसको ऐसे पिन करके उसके ऊपर आपकी हेयर से बन बना सकते हैं, बहुत बड़ा बन होगा।
तो ये 40 रुपीज़ का है, नहीं 30 ऐसा ही कुछ है। उसके बाद मैंने एक आईलैश ग्लू लिया, क्योंकि मेरी जो आईलैश ग्लू है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, दो तीन तीन था, तीन ही ख़त्म हो गई, तो ये लिया, ये 30 रुपीज़ का आया है। और सच बताओ तो ये इसको लेके अगर आप आईलैश को चिपकाएंगे ना तो माशाल्लाह बहुत सुंदर से वो अप्लाई होगा। उसके बाद मैं कुछ मॉइस्चराइज़र लिया, ये है पॉन्स की लाइट मॉइस्चराइज़र, और सच बताओ तो बहुत अच्छा है। और इसका जो प्राइस है यहाँ पे लिखा तो है 120, पर मुझे मिला था 190 में। और ये है लैक्मी पिच मिल्क, ये 40, बहुत छोटू सा है इसलिए 40। और उसके बाद मैंने ये ब्लू हेवन का एक कॉम्पैक्ट लिया, इसका प्राइस लिखा है 90, पर ये मुझे मिला था 70 में, कुछ ऐसा है। और इसमें मेरा जो शेड है वो है नेचुरल, अगर आप लोग लेना चाहते हैं और आप लोगों की स्किन की कलर मेरी जैसा है तो ले सकते हैं। मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया, बैक टू बैक मैं बहुत सारे वीडियो शूट करने वाली हूँ इन सारे मेकअप प्रोडक्ट्स को यूज़ करके, जिससे मैं आप लोगों के साथ रिव्यू भी शेयर कर लूँगी। और इसके साथ हाई राम ओके, ये कलर एसेंस का एक काजल है, इसका प्रिंट है 145, पर ये मुझे 120 में मिल गया था, सारे लोकल मार्केट है। और यहाँ पे ड्यूब हुडा ब्यूटी का 2 लिप कलर है, बहुत ही खूबसूरत है, पर इनमें एक प्रॉब्लम है, इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ज़्यादा फेविकॉल जैसी है, जो मुझे एकदम भी अच्छा नहीं लग रहा है। पर सच बताओ तो इसको अप्लाई करने के बाद ये बहुत देर तक लॉन्ग लास्टिंग है, अच्छा है, पर इसकी स्मेल गंदा है। मेरी जॉनसन बेबी का क्रीम, ये दिखाने की चीज़ नहीं है फिर भी मैं दिखा रही हूँ। उसके बाद मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज़ किया था क्योंकि मुझे ज़रूरत था, ये है इनसाइट की प्राइमर 3-in-1, इसका जो प्राइस है वो है 240, पर ये मुझे 220 में मिल गया था। इसके अंदर आपको कितना प्रोडक्ट मिलता है, 30 ml प्रोडक्ट, ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है वेट एंड वाइल्ड के जैसे, पर मैंने एक बार इसको बाहर किया था थोड़ा सा, पर तब मुझे ये रानी मिला था, थोड़ा सा शेक करके आप लोग इसको यूज़ करिए। और सिलिकन बेस है पर बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट, मैं बहुत वेट कर रही हूँ इसको यूज़ करने के लिए, रिव्यू मैंने अच्छा ही देखा है। उसके बाद मैंने लिया है ये ब्लू हेवन का फिक्सर, इसका जो प्राइस है 300 है, पर लोकल मार्केट है ना इसलिए थोड़ा सा अंकल अंकल करके मैं थोड़ा सा कम कर ही लिया था। अरे निकल जा भाई, पर मैंने इसको थोड़ा सा भी ओपन नहीं किया। ओके यहाँ पे दो है, हाँ दो है, ओके दो कैप है, ओह माय गॉड, फिक्सर तो अच्छा है पर इसकी जो स्मेल है ना डेटॉल वाली जो स्मेल है वैसी है, अच्छा नहीं है, पसंद नहीं आया, पर क्या करे, पर एक अलग सा ग्लो दे रहा है मेरी स्किन पे, अच्छा है पर ये स्मेल अच्छा नहीं है। उसके बाद मैं दिखा रही हूँ ये फ्लिपकार्ट से ली हुई मेरी लेंस, बहुत ही चीप प्राइस में मुझे मिला था 3, पर सच बताऊँ तो उनमें से सिर्फ ये वाली एकदम सही है, जैसा पिक्चर में दिखाया था वैसी है। और ये और मैंने अभी जो अप्लाई किया ये दोनों ऐसे फ्लावर फ्लावर बने हैं, और एक अजीब सा कलर है ये ग्रीन और ये ब्लू में, एकदम अजीब लग रहा है, जैसा पिक्चर में था वैसा नहीं है, मैं इसको एकदम भी रिकमेंड नहीं करूँगी। फिर भी मैंने इसको अप्लाई किया और यहाँ पे लिखा है कि मेड इन कोरिया, तो इसका जो लेंस है ना उसकी जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़े है, मतलब मेरी जो आई बॉल है एकदम वैसा नहीं है, मुझे पसंद नहीं आया है पर्सनली, पर क्या करें, पैसे दे के ख़रीदा है तो यूज़ तो करना ही पड़ेगा। और उसके साथ एक ऐसा
लेंस रखने की ऐसा कैप आपको दिया जाता है, पर कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर इनके सब चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद मैंने अमेजोन से ये मार्मेड वाली ब्रशेज लिया, ये शायद 500 की है। एग्जैक्ट प्राइस मैं स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दूंगी, पर इसका जो कलर है, ओ माय गॉड, दे आर सो ब्यूटीफुल, लुक एट दिस। ये 5 फेस ब्रशेस, और ऐसा एक कुछ मिला है जो ऐसा करने में बड़ा मज़ा आता है। ये फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए है, पर मुझे लगता नहीं ये कोई काम में आएगा मेरा। तो ये 5 है फेस ब्रशेस। क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, या नहीं पता नहीं, कुछ ऐसे ऊपर ऊपर से निकला हुआ है, पर इसकी जो ब्रिसल्स है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ओ ये भी फेस की है, फैन ब्रश, और इसके छोड़ के आप लोगों को मिलेगा 6 आई ब्रशेस, जो बहुत ज़्यादा यूजेबल है, बहुत ज़्यादा। पर मेरे पास जो आया था ये टूटा हुआ है, इसको मुझे फेविक्विक से चिपकाना पड़ेगा और ये थोड़े देर बाद बाहर आ जाएगी। तो ये था ब्रश। उसके बाद मैंने ऑर्डर किया था ये फ्लोरिना फाउंडेशन, इसकी प्राइस है 175, पर इसकी जो रिव्यू था और मेरी जो फेवरेट यूट्यूबर है उनके जो रिव्यू थे, ये बहुत अच्छा है। मैंने यूज़ अभी तक नहीं किया तो आई रियली डोंट नो, ओ गॉड, बट इसका पम्प थोड़ा सा, और मेरा जो शेड है वो है सैफ्रन ग्लो, यहाँ पे लिखा है हाई कवरेज, पर ये हाई कवरेज नहीं है, लाइट टू मीडियम कवरेज तो दे ही देगा। कैन यू सी द डिफरेंस? इस प्राइस में इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ब्लू हेवन की तरफ से ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है, मुझे पसंद आया, मतलब मेरा जो पैसा है वो पैसा वसूल है। ओके मैं इसके डिब्बे में वो, उसके डिब्बे में वो, ये सब करके बैठी हूँ। ओके उसके बाद अमेजोन से मैंने ऑर्डर किया था ये आईब्रो पेंसिल, ये ग्रेइश कलर में है, इस तरफ आपको प्रोडक्ट मिल जाता है और इस तरफ आपको स्पूली मिल जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसकी प्राइस के अकॉर्डिंगली, इसका प्राइस 99 ऐसा ही कुछ था, तो गुड, आप लोग अगर ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हैं। उसके बाद अल्प्स गुडनेस का मैरीगोल्ड पाउडर है, जो एक हेयर मास्क है, ये मुझे फ्री मिला था। इसका प्राइस यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये मुझे फ्री मिला था, तो मैं इसको यूज़ करके बताऊँगी कि ये कैसा है। मैंने कभी हेयर मास्क वगैरह वैसे यूज़ नहीं किया, तो होप फॉर द बेस्ट। उसके बाद मैंने ऑर्डर किया था ये गुड वाइब्स का क्यूक्यूम्बर जेल एज ए मॉइस्चराइज़र, ऐसे एक ग्लास बॉटल में आता है, इसकी स्मेल बहुत ही सुंदर है और इसकी प्राइस बहुत ही कम है, 175। उसके बाद ये गुड वाइब्स का लोटस स्क्रब मुझे फ्री में मिला था, वाओ, मैंने ऑर्डर करना भूल गई थी कोई भी स्क्रब, तो मुझे मिला तो अच्छा ही हुआ। अरे ये ओपन क्यों नहीं होता? ओके अच्छा है, बहुत ही लाइट पिंक कलर में है। ओके पता नहीं ये वीडियो कितने लंबा जाएगा, मैं कोशिश करूंगी इसको 2 पार्ट में डिवाइडेड कर दूं, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद हाय, सारे जो प्रोडक्ट मैं उठा रही हूँ सारे फ्री का ही है। उसके बाद मुझे ये NYB का लिप क्रेयॉन, ये भी मुझे फ्री में मिला था, और इसका जो शेड है वो है मीट द क्लासिक 14, और ये एक ब्यूटीफुल पिंक शेड है, पर ये थोड़ा सा टूटा हुआ है, आई रियली डोंट नो क्या हो गया। उसके बाद मैंने ऑर्डर किया था ये NYB का कॉम्पैक्ट, और मेरा जो शेड है वो है वार्म हनी। अगर आप लोग मेरे स्किन टोन की हैं तो आप ये ले सकते हैं, और इसके साथ एक एप्लीकेटर भी मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, पर हम लोगों का कोई काम का नहीं है क्योंकि ब्रश ही यूज़ करते हैं,
बट इसका जो स्मेल है ना वो जॉनसन बेबी की जो पाउडर है उसकी तरह है, जो मुझे बहुत पसंद है। टिंग 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 पर्पल की जितनी ऑर्डर थी उसके साथ मुझे इतना लंबा एक बिल रिसीव हुआ है जिसको मैं दुपट्टा बना सकती हूँ। पर अभी सारा पैसा खर्च होने के बाद मुझे फील हो रहा है कि मैं इससे ऐसे करके मर जाऊँ। पर इट्स ओके, आप लोगों के लिए नए नए मेकअप वीडियो लाना था तो प्रोडक्ट तो चाहिए ना। और आप लोग पूछते हैं दीदी आपके पास कितने प्रोडक्ट्स हैं दिखाओ, तो मेरे पास कुछ था ही नहीं, अभी है थोड़ा बहुत। उसके बाद ये क्या है, ये भी आईब्रो पेंसिल है और ये भी मैंने अमेजोन से मंगवाया था और ये ब्लू हेवन का है, ये भी ग्रे कलर में है। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये NYB का कोल खाजल। इसका प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल है और लुक एट दिस, एकदम जेट ब्लैक है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पर ये कब तक रहेगा वो मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया। ओके उसके बाद ये गुड वाइब्स का आमंड फेशियल ऑयल। और इसमें एक मज़ेदार चीज़ है, मैं फर्स्ट टाइम ऐसे खरीद रही हूँ तो मुझे मालूम नहीं था, मैं इसको देख के सोच रही थी अरे इसके साथ वो ड्रॉपर कहाँ है, फिर मैंने देखा कि इसके अंदर ड्रॉपर है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो है, मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ 2022, MRP है 149, पर मुझे शायद कुछ डिस्काउंट में मिला था या नहीं मुझे मालूम नहीं। उसके बाद है गुड वाइब्स का विटामिन ई स्किन सीरम, इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है 225, और मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ 2023। और ये विटामिन ई है। उसके बाद मैंने ऑर्डर किया था ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स का लूज पाउडर जिसका प्राइस 125 है, और इसकी प्राइस के अकॉर्डिंगली ये जो पाउडर है बिना यूज़ किए ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। ये थोड़ा सा येलो अंडरटोन में है और इसका जो शेड है ये है हनी स्वीट, स्वीट हनी होना चाहिए था, हनी स्वीट क्यों है पता नहीं, स्वीट हनी, पर ये हनी स्वीट है। हाँ यही सही है, हनी तो स्वीट होता है। अरे कहना क्या चाहते हो। इसके बाद मेबलिन का मस्कारा, ये 2X वॉल्यूम मस्कारा है, कोलोजल मस्कारा, और इसका प्राइस है 399, बट ये मुझे डिस्काउंट में मिला था 2 something, मुझे याद नहीं है। और अगर आप लोग बिगिनर्स हैं और मस्कारा अभी तक यूज़ नहीं किया तो मेकअप करने के बाद मस्कारा यूज़ करना मैंडेटरी है, मतलब उसको यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है। पर अगर आप लोग नहीं जानते कि क्या यूज़ करना चाहिए क्या नहीं, तो मैं आपको बोलूँगी कि एक बार ही पैसा इन्वेस्ट करो और ये ले लो। सच बताओ इसको यूज़ करने के बाद आप और कोई मस्कारा यूज़ करना नहीं चाहोगे क्योंकि ये इतना अच्छा है। मेरी ऑलरेडी 2 bottles ख़त्म है, ये मेरी 3rd purchase है, सो आई हाईली रिकमेंड। उसके बाद ये कोलोजल काजल, इसकी प्राइस अकॉर्डिंगली 170 है, पर मुझे 170 में नहीं थोड़ा सा कम में मिला था। और ये भी मैं वही कहूँगी कि अगर आप काजल खरीदना चाहते हो तो इधर उधर मत जाइए, इसको खरीद लीजिए, धमाका है धमाका। तो उसके बाद लैक्मी का काजल, इसका प्राइस है 185, और ये 22 hours लॉन्ग लास्ट करता है कहता है, पर मुझे इससे ज़्यादा ये पसंद है, पर दोनों ही रख लिया। उसके बाद मैंने ऑर्डर किया ये NYB का फाउंडेशन स्टिक, और इसमें आप लोगों को बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएगी। और मैं यहाँ पे ऑर्डर किया एक येलो में, एक ब्राउन में, एक ग्रीन करेक्टर, एक रेड करेक्टर, और इसकी जो प्राइस है वो यहाँ पे मेंशन है नहीं है, हाँ है 115। तो इस रेंज में कलर दिखा दे भाई, इस रेंज में बहुत ही अच्छा है, मैं तो कहूँगी बहुत अच्छा है। मैंने ये येलो जो कलर लिया
ये कुछ ऐसे पैकेजिंग में आता है, बहुत ही टीनी मिनी सा है, आप कहीं पे लेके जा सकते हो। और इसका जो कलर है ये कुछ ऐसा है, ये लो किधर लगाओ। और सच बताऊं तो ये बहुत ज्यादा क्रीमी है, बहुत ज्यादा क्रीमी है। अंडर आई हाईलाइट अगर कंसील करना चाहते हो तो ये बेस्ट प्रोडक्ट है। अगर आप बिगिनर्स हो और ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते हो तो ये खरीद सकते हो। और उसमें ही मैंने ये एक कॉन्टूर शेड ले लिया, क्योंकि क्रीम कॉन्टूर करना मुझे ज़्यादा पसंद है। ये और एक ग्रीन करेक्टर और एक रेड करेक्टर, क्योंकि मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मेरे फेस पे बहुत सारे पिंपल है, अभी थोड़ा सा कम है। तो मैं बता दूं, अगर आपके फेस पे कोई भी रेडनेस है तो आप ग्रीन करेक्टर यूज़ कर सकते हैं, अगर कोई ब्लैक स्पॉट या ब्लैक कुछ है तो आप रेड यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे दोनों ही है, तो मुझे दोनों ही ज़रूरत था, तो मैंने ये ले लिया। उसके बाद ये क्या है, ओके मैंने ज़्यादा NYV का ही लिया। तो इसके बाद मैंने NYV का ये दो लाइनर लिया है। और सच बताओ जब मैं फर्स्ट इसको देखा तभी मैं इसकी प्यार में गिर गई, कि ये इतना सुंदर है। सिर्फ एक का एप्लीकेटर थोड़ा सा अजीब है, और वो शायद ये ब्लू का है। हाँ ब्लू का है, ब्लू का जो एप्लीकेटर है वो थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा है। पर इसके अगर कलर देखोगे तो आप लोग प्यार में गिर जाओगे, सच बता रही हूँ। लुक एट दिस। और एक है ग्रीन, इसका प्राइस क्या है, प्राइस यहाँ पे मेंशन नहीं है। और ये है ग्रीन, इसका जो एप्लीकेटर है ये सही है। और इसका जो कलर है वो भी बॉम है, एकदम बॉम। तो मैंने ये दो लाइनर लिया है। उसके बाद मैंने लिया है ये मामाअर्थ का उपटन फेस वॉश। मैंने इसका रिव्यू इतना देखा है, इतना देखा है कि मुझे लगा कि मुझे ये यूज़ करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, ये सारे स्किन टाइप्स के ऊपर सूट करेगा, ये पैराबिन फ्री है, और क्या चाहिए। ये 100 ml का है और इसका प्राइस है 249। मैं इसको बहुत जल्दी यूज़ करने वाली हूँ, ये टर्मरिक और सेफ्रॉन की है। उसके बाद फिर से फेशियल ऑयल नहीं, ये फेशियल सीरम है, ये NYV का है, फोकस कर ले। उसके बाद मैंने लिया है ये ब्लू हेवन का लूज पाउडर, और इसको मैं यूज़ कर सकती हूँ 2022, और इसका प्राइस है 125, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो ये, उसके बाद मैंने लिया था एल्फ गुडनेस का ये फेस जेल मॉइस्चराइजर के लिए, आई होप कि ये काम करे। और इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम था, 76 या 71 ऐसा कुछ। मैं स्किन के